वहीं रुद्रप्रयाग में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राणा ने कहा कि जनपद के सभी नागरिकों से यह भी अपील है कि कोई भी फेक न्यूज और भ्रामक समाचार पर विश्वास ना करे और बिना प्रामाणिकता के शेयर ना करे। यदि किसी के संज्ञान में ऐसा पाया जाता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन और मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति को उपलब्ध कराए ताकि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जनपद की समस्त सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध है कि जैसा कि हमारा निर्वाचन कार्य शुरू हो चुका है तो इस दौरान जहां भी कोई भी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार की कोई भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित होती है तो उस पर जरा भी आप भरोसा न करें। अगर इस प्रकार की कोई सूचना कहीं प्रकाशित होती है तत्काल प्रशासन की और हमारी जो मीडिया प्रमाणन समिति उसके संज्ञान में लाएं और हमारी मीडिया प्रमाणन समिति जो भी इस प्रकार की कोई न्यूज़ या कोई प्रिंट छपता है तो बिना एमसीएमसी के सर्टिफिकेशन की कोई भी इस प्रकार की जो सामग्री छपती है विधि सम्मत नहीं होगी। अगर ऐसा पाया जाता तो इस संबंध में तत्काल विधि कार्रवाई की जाएगी।